वेलकम टू हॉटपॉट फूड्स यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन बनाए जा रहे हैं चिकन तंदूरी ब्रेड पॉकेट्स विद चीज स्टफिंग, जो कि बहुत ही मज़े का और डिलीशियस सा बन के रेडी होता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक चिकन का ब्रेस्ट है मेरे पास, और 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला है मेरे पास, और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, और थोड़ा सा हम लोग इसमें चिली सॉस यूज़ करेंगे, और 1/4 कप हम योगर्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेस्ट को क्यूब्स में काट लेती हूँ। तो चलिए इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास योगर्ट है, और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारे पास मसाले हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसका मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसको 2 घंटे के लिए मैं इसी तरीके से छोड़ दूंगी। मैरिनेशन टाइम 2 घंटे का होगा, तो अभी इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, तो अभी जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसके हम साइड चेंज करेंगे। लो टू मीडियम आंच रखेंगे। इसमें मैंने 1/4 कप के बराबर पानी का ऐड किया, और इसको कवर कर दूंगी, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए चिकन हमारा डन हो चुका है, ना सॉफ्ट हो चुका है ये देखें। इसका थोड़ा सा मसाला जो है वो ड्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारा डन हो चुका है, अभी इस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को श्रेड करके एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप के बराबर शिमला मिर्च है, जिसको मैंने इस तरीके से मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसको। तो अभी पहले शिमला मिर्च को हम सौते कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको हल्का सा मीडियम आंच में सौते कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से काट के बारीक बारीक सा। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च सौते हो चुकी हैं, ये देखें। जो हमने चिकन श्रेड किया था वो इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं इजीली, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की ये बन के रेडी होती हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन हमारा डन हो चुके हैं, तो अभी इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन हमारा रेडी है। ये मैंने तकरीबन 1/2 कप मोज़रेला और चेडर को मिक्स करके 1/2 कप मैंने चीज़ लिया है यहाँ पर। चलिए इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं ब्रेड के किनारे जो हैं वो उतार लूँगी, और इन किनारों को हम ब्रेड क्रम बनाने में यूज़ करेंगे। रमजान में वैसे भी ब्रेड क्रम बहुत यूज़ होते हैं, तो आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा। इसको ग्राइंड करेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। पहले मैं उतार के किनारे सारे रख लेती हूँ, उसके बाद हम बेलन से इसको फ्लैट करेंगे। यहाँ पर मैंने सारों के किनारे उतार लिए, अभी इसको बेलन की मदद से इस तरीके से फ्लैट करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्लाइस को उठाऊंगी, इस तरीके से मैंने फ्लैट कर लिया इसको। तो इसके अंदर पहले थोड़ी सी मैं चीज रखूंगी। यहाँ पर मैंने चिकन रखा है थोड़ा, और यहाँ पर मैं किनारों में पानी लगा दूंगी इस तरीके से। और अब इसको मैं यहाँ पर रखूंगी, और इसको इस तरीके से हाथ की मदद से मैं इसको बंद कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से सील हो चुका है सारा। इसी तरीके से सारा बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। अगर खुला रह जाता है तो आप इसको पानी इस तरीके से लगा के बंद कर सकते हैं। ये देखें इसकी शेप को थोड़ा सा सेट कर लें। इस तरीके से एक पॉकेट हमारा बन के रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी पॉकेट्स भी बना के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड पॉकेट्स बन के रेडी हैं।
इसको मैं उठाऊंगी, उसको अंडे में कोट करूंगी इस तरीके से, और इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। एक को हमने कोटिंग कर ली है, बाकियों को भी मैं इसी तरीके से कोट कर लेती हूँ। सारे ब्रेड पॉकेट्स को मैंने कोटिंग करके रेडी कर लिए, तो अभी इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके इसको डालना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। इसको लाइट सा गोल्डन कलर देंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बहुत ही मजे के चिकन तंदूरी ब्रेड पॉकेट्स बन के रेडी हैं। देखिए, बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस से हमारे ब्रेड पॉकेट्स बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।